हेलो चिल्ड्रन, लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस अबाउट नोटिस एंड टुडेज टॉपिक इज पोएट्री फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो। एंड टुडे वी विल स्टार्ट द सेकेंड पोएम ऑफ योर बुक विच नेम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम विच इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। नाउ इट इज कंपल्सरी टू नो समथिंग अबाउट पोएट। Poet name is, as we know, that is Stephen Spender. He is called rightly CBE. CBE mean commander of the British Empire. He was the commander of the British Empire. And he was born in 28 February 1909 and died in 16 July 1995. As we know that he was an English poet. He was born in England. He was an English poet, novelist and essayist and dramatist also, who concentrated on the theme of the social injustice and the class struggle in his work. So basically, if we talk about Stephen, then his birth, as it was prescribed, English poet, he was called in England, his birth was made. He was a very good novelist, essayist and dramatist also called him. बेसिकली इनका जो कंसर्न था वो था किस चीज़ पर, सोशल इनजस्टिस पर। इनकी जो पोएम्स होती हैं उसमें इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सोशल इनजस्टिस यानी कि जितना भी समाज में अन्याय होता है लोगों के साथ, उस पर ज़्यादा लिखते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोएट्री टू द यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 1965। 1965 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इनको पुरस्कृत सलाहकार की उपाधि दी थी पोइट्री में। एंड हेयर वी हैव मेंशन सम लिस्ट ऑफ हिज वर्क्स। फर्स्ट है द एड्स ऑफ बीइंग व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड इन 1949, पोएम ऑफ डेडिकेशन व्हिच इज पब्लिश्ड इन 1947, ट्रायल एंड जज इट वॉज पब्लिश्ड इन 1938, इट इज एंड And next is The Backward Son. It was published in 1940. Trial and Judges drama and The Backward Son is novel. Now come to the first stanza. Before starting it, I would like to tell you from where this extract has been taken. This is the part of the book which is written by Stephen Spender, which name is The God That Failed. It has been published in 1949. एक बुक थी इनकी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, जो 1949 में पब्लिश हुई थी। ये उसी का एक एक्सट्रैक्ट है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन और फोकस ऑन क्लास इन इक्वलिटी बाई कंपेयरिंग दैम टू अडल्ट children who are getting proper facilities. तो इस poem में poet ने describe किया है conditions को, किनकी condition को, ऐसे बच्चे जो slum childrens हैं, यानी कि slum childrens जो क्या होते हैं, slum areas में education gain कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो high classes बच्चे हैं यानी कि जो rich बच्चे हैं उनसे compare किया गया है कि उनकी conditions कैसी है। Those who are getting education in slum areas, तो स्लम एरिया के क्लासरूम कैसे होते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, वो सारी चीज़ें इस पोएम में डिस्क्राइब की गई हैं। नाउ कम टू द पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार इन लाइन में रिपीटेशन यूज़ हुआ है। फ्रॉम गस्टी वेव्स यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लहरें होती हैं, यहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और हम कह सकते हैं कि एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर फैसिलिटीज़। वो बच्चे ऐसे हैं कि उनको किसी के भी द्वारा कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। इसलिए स्टार्टिंग लाइन में पोएट ने कहा है कि दे आर वेरी फार फ्रॉम अ गस्टी वेव्स, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लहरें हैं वो उनसे बहुत दूर हैं, क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग अ एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज। लाइक रूटलेस वीट द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर। रूटलेस वीट क्या होता है,
बेकार घास होती है जिसमें कोई जान नहीं होती है, जिसको अगर पौधे से अलग कर दो तो क्या होता है, वो बिल्कुल पीली दिखाई देती है, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये रूटलेस वीड है। तो क्या है, उनके चेहरे बिल्कुल रूटलेस वीड के समान है, और अगर हम उन्हें देखें तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जो उनके हेयर्स हैं वो कॉम्ब किए हुए नहीं है, बाल भी बनाए हुए नहीं है, और उनके चेहरे पे उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं। नाउ ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ वन गर्ल हु इज सिटिंग इन द क्लासरूम। द टॉल गर्ल विथ हर विग्ड डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है जो बिल्कुल कंधे झुका के बैठी हुई है। शायद शी इज सफरिंग फ्रॉम अ माल न्यूट्रिशंस, ऐसा हो सकता है कि वो कुपोषण की शिकार हो, या फिर उसे हेल्दी न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हो अपनी फैमिली से, दैट इज वाई शी हैज विग्ड। वो बिल्कुल झुकी हुई सी है और क्लासरूम में बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज। अब अगला एग्जाम्पल दिया है पोएट ने किसका, एक बच्चे का, जो क्या है बिल्कुल पेपर सेमिंग बॉय बोला गया है उसको, यानी कि जिसका वेट पेपर से भी लाइट, पेपर की तरह है। पेपर कितना लाइट होता है, पेपर से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या है वो बॉय, क्या है बिल्कुल पेपर की तरह लाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोर है, और उसकी आँख किसकी तरह है, चूहे की तरह, उसकी आईज को कंपेयर किया गया है चूहे से। इट मीन्स देयर आईज आर सर्चिंग एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टिल विच दे आर नॉट गेटिंग। ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं, कुछ फैसिलिटीज ढूंढ रही हैं जो शायद उनको अभी तक नहीं मिली। द स्टंटेड अनलक्की हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग द फादर्स गनाइड डिजीज। अब अगली बात करता है पोएट किसकी, द स्टंटेड अनलक्की हियर, यानी कि एक ऐसा अनडेवलप्ड, स्टंटेड मीन्स होता अनडेवलप्ड, जिसका विकास पूरी तरीके से ना हुआ हो। अनलकी इसलिए कहा गया है उसे कि यानी कि अनलकीली हियर, यानी कि उत्तराधिकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल मुड़ी हुई हैं, और ये जो हड्डियां हैं यानी कि ये जो शरीर है उसका, वो उसे विरासत में मिला है किससे, अपने पूर्वजों से, और हम कह सकते हैं कि शायद अपने फादर से, क्योंकि जेनेटिकली ऐसा होता है कि अगर हमें कोई डिजीज़ है तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो डिजीज़ हो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसे विरासत के रूप में क्या मिली है अपने पेरेंट्स से, वो बीमारी मिली है कि वो क्या है पूरी तरीके से विकसित नहीं है और उसकी हड्डियाँ क्या है मुड़ी हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपनी डेस्क पर बैठ कर क्या कर रहा है, लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। और अगर दूसरी ओर हम ध्यान दें तो क्लास के पीछे भी एक बच्चा बैठा हुआ है जिसको अभी किसी के द्वारा नोटिस नहीं किया गया है। वो क्या है, बहुत स्वीट और यंग है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, स्वीट सा लग रहा है, वो बाहर को झांक रहा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें बिल्कुल सपना देख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर किसी सपने को देख रहा है, यानी फिर किसी चीज को नोटिस कर रहा है। एंड वट ही वॉज नोटिसिंग आउटसाइड ऑफ अ स्क्वेरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। बाकी बच्चे जो हैं वो तो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बट ही वॉज नोटिसिंग द स्क्वेरल ड्रीम, स्क्वेरल गेम, वो क्या कर रहा है, स्क्वेरल गेम को देख रहा है कि बाहर किस तरीके से जो बच्चे हैं, जो सॉरी गिलहरी है, वो क्या कर रही है, गेम खेल रही है पेड़ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। श्योर क्रीम बॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल फ्लावरी ट्रॉयलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग अ वर्ड इट्स वर्ल्ड। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ अ वर्ल्ड। दिस एक्सट्रैक्ट पोएट वांट टू से दैट द पिक्चर्स और द डोनेशन थिंग्स विच हैज़ बीन गिवन बाय द पीपल, इट्स दे ऑल आर डेकोरेटेड इन द क्लासरूम।
मतलब बच्चों को डोनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो उनके क्लासरूम में क्या की गई हैं, डेकोरेट की गई हैं। उसमें से एक पोस्टर है किसका, शेक्सपियर का, और मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाउड दिख रहे हैं एक पिक्चर में, ठीक है। सिविलाइज्ड रूम, सिविलाइज्ड रूम मतलब होता है गुंबद टाइप का, एक जैसे टेम्पल के ऊपर शेप होता है वैसे ही इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो ये सारी पिक्चर्स बनी हुई है उनके उसमें क्लासरूम में। और बैलेट फ्लावरी ट्रॉलेस वैली बनी एक ऑस्ट्रेलिया में है जो, तो उस क्या मतलब उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वहाँ से एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जनरेट हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर की फोटो लगी हुई है, ओपन हैंडेड मैप यानी कि अलग अलग कंट्री के मैप लगे हुए हैं। अबॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड यानी कि वो सारी चीज़ें जो हैं क्लासेस में लगी हुई वो उनको क्या कर रही हैं, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, यहाँ तक कि इन चिल्ड्रंस के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें क्लास में डेकोरेट की गई हैं ये इनका वर्ल्ड नहीं है, ये इनका संसार नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे ऑल आर वेरी फार फ्रॉम देयर रीच, क्योंकि ये इनकी पहुंच से क्या है, बहुत दूर है, ठीक है। एंड दे ऑल आर प्रोवाइडिंग अ बैड एग्जाम्पल टू दैम, और ये सारी चीजें इनको क्या कर रही है, एक बैड एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि जो इनका वर्ल्ड है वो क्या है, वे आर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। इनका वर्ल्ड तो केवल, इनका संसार तो केवल इतना ही सीमित है, क्योंकि जो उनका एरिया है, जिन घरों में वो रहते हैं, जिन क्लासरूम में वो पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर मतलब उतनी सीमित सी जगह पर रह गया है। और उनका जो एरिया है वो धुंध से भरे हुए रहते हैं, यानी कि गंदगी से भरे हुए रहते हैं। नोबडी इज देयर टू पे अटेंशन टूवर्ड्स दैम। और जो उनकी गलियां हैं वो हमेशा सील रहती हैं, ठीक है। बड़े से स्काई के नीचे जो उनके घर हैं, आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों में जितने भी घर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी कंडीशंस कैसी होती हैं। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि दे आर वेरी फार फ्रॉम द रिवर्स, यानी कि जो बीचेस वगैरह हैं उनसे बहुत दूर हैं, चोटियों से बहुत दूर हैं, यानी कि जो अदर संसार है। दे आर टॉकिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर टेकिंग अ एंजॉय ऑफ देयर लाइफ एंड हु आर एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। जिनके पास पैसा है, देयर कंडीशन इज गुड, जिनकी कंडीशन गुड है, उनसे क्या है, ये लोग बहुत दूर है। इसलिए पोएट ने यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि ये जो सारी पिक्चर्स हैं जो क्लासरूम में डोनेशन पे दी गई हैं वो क्या कर रही हैं, इनको एक तरीके से बैड एग्जाम्पल है इनके लिए, क्योंकि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू देम। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। सो हेयर पोएट इज इंडिकेटिंग दैट ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल द थिंग्स विच इज डेकोरेटेड इन देयर रूम आर विग्ड फॉर दैम एंड स्पेशली द पिक्चर ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये पोएट कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो विलियम शेक्सपियर है वो उनको एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि वो उनके लिए क्या है, एक हास्यात्मक है, एक मजाक बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि मैप उनके रूम पे जो लगाया गया है और जितनी भी पिक्चर्स वहाँ पर लगी हैं वो सब उनके लिए बिल्कुल भी कोई भी प्रभावी नहीं है, यानी कि दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दैम। इसीलिए वो क्या है, उनके लिए सब एक बैड एग्जाम्पल्स हैं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग डैम टू स्टील। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको क्या कर रही हैं। अब इफ़ यू विल सी द पिक्चर ऑफ शिप, उनकी क्लास में एक ऐसा पोस्टर भी लगा है जिसमें पिक्चर लगी है शिप की और सन की, और ये सारी चीज़ें उनको क्या करने पर मजबूर कर रही हैं, चोरी करने पर। टेम्पटिंग मतलब होता है ललचाना, किस चीज़ के लिए, चोरी करने के लिए ललचाना। तो ये जितनी भी चीज़ें डेकोरेट हैं उनके क्लासरूम में वो उनके लिए एक हास्यात्मक बन के रह गई है, और जो मैप है वो उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या है, दे ऑल आर टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्योंकि वो उन्हें क्या करवाना चाह रही हैं, मतलब ललचा रही हैं उनको कि वो क्या करें, चोरी करें। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेन एनी काइंड ऑफ थिंग्स विच दीज पीपल आर गेटिंग। क्योंकि जिनकी फोटोज़ उनके रूम में लगी है वो बहुत रिच हैं। इफ़ यू विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ विलियम शेक्सपियर, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड ही हैड अ ग्रेट नॉलेज
अब अगर कोई बच्चा विलियम शेक्सपियर की तरह बनना चाहता है तो वो क्या करेगा? उसके पास इतना पैसा तो नहीं है, ना ही गवर्नमेंट उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी दे रही है पढ़ने की, तो वो क्या करेंगे? चोरी ही तो करेंगे। तो यही सारी चीजें क्या कर रही हैं, बच्चों को चोरी करने पर मजबूर कर रही हैं। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर कैम्प क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइली मीन्स होता है चालाकी से, या फिर हम कह सकते हैं डिसीव्ड करना, धोखा देना। तो जो क्या है, जितने भी पीपल्स हैं जो उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ केवल क्रैम्पेड होल बन के रह गई है। ऐसे हम कह सकते हैं जैसे कि चूहे का घर होता है, एक चूहे का बिल, क्योंकि उनकी लाइफ एक चूहे के बिल तक ही सीमित है। इफ यू विल टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ देयर क्लासरूम, दे आर टोटली डार्क जस्ट लाइक अ क्रैम्पेड होल। तो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बिल्कुल सीमित रह गई हैं, क्रैम्पेड होल की तरह। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप। तो जो क्या है, जहाँ पर जिस जगह पर वो रहते हैं, अगर हम उनके घर की बात करें या फिर क्लासरूम की बात करें, तो वो वहाँ पे क्या है, बिल्कुल एंडलेस नाइट है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देयर क्लासरूम आर फुल ऑफ डार्कनेस। उनके जो क्लासरूम है वो बिल्कुल अंधेरे से भरे हुए हैं। और जिस जगह पर वो रहते हैं, स्लैग हीप मतलब कूड़े का ढेर, यानी कि जिस एरिया में आपने देखा होगा जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं, वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बहुत कूड़े के ढेर होते हैं। तो स्लैग हीप यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कूड़े के ढेर को, कि जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर जो जगह है वो कूड़े से भरी हुई रहती है। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीव्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। तो ये जो बच्चे हैं जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ माल न्यूट्रिशंस, वो कुपोषण के शिकार हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी स्किन इतनी पतली दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो उनकी स्किन से बाहर झांक रही हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, उनके स्पेक्टिकल्स को देख के लगता है कि वो मेंडेड ग्लास से बने हुए हैं, यानी कि उनको क्या किया गया है, दोबारा से रिपेयर किया गया है। ठीक है, जब हम नया स्पेक्टिकल लाते हैं तो वो बहुत गुड कंडीशन में होता है, और अगर उसको रिपेयर कराते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं होता है। अब उनके पास इतने सफिशियंट मनी तो है नहीं कि वो क्या कर सकें, अपने लिए नए स्पेक्टिकल ला सकें। तो वो जो पुराने स्पेक्टिकल्स हैं मेंडेड किए हुए, उन्हीं को वो पहनते हैं, और उन्हें कंपेयर किया गया है कि वो किस तरीके से दिखते हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सपोज दैट यू आर कैरिंग अ बॉटल ऑफ ग्लास, अगर आप कोई कांच की बॉटल लेके जा रहे हो, अचानक से वो गिर जाए स्टोन पर तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उनकी जो स्पेक्टिकल्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उन टुकड़ों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका जो समय है और उनका जो टाइम, उनका जो जहाँ पे वो रहते हैं, जो प्लेस है वो क्या है, वो जो एरिया है स्लम एरिया, वो क्या है, बहुत ज़्यादा फॉगी है, यानी कि धुंध से भरा हुआ है। वी कैन से दैट इट वॉज फुल ऑफ पॉल्यूशन। सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम एज बिग एज डूम। सो यहाँ पर पोएटिक इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्या करें, जिस प्रकार से क्या होता है, वी आर सीइंग दैट मैप में क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, मेंशन होती हैं, लेकिन जो क्या है स्लम एरिया, इसको कहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है मैप में। तो यहाँ पर पोएट एक इंडिकेशन देता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या करो, इनके नाम का भी एक ब्लॉट यानी कि धब्बा लगा दो किस पर, अपने मैप पे, जिससे क्या हो, इनके बारे में भी क्या करें लोग सोचें, और इनके बारे में भी क्या करें कोई प्रोग्रेस हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। अनलेस गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, ब्रेक को ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन टू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री इज देयर होज लैंग्वेज इज द सन।
So here the poet says that the government should take notice of the problem being faced by these kids. He urges them to change the life of these kids and make the world map of a reality for them. अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किससे, गवर्नमेंट से, गवर्नर से और टीचर्स या फिर इंस्पेक्टर या फिर विजिटर, वट एवर अ पर्सन इज कमिंग इन दैट प्लेस। कोई भी पर्सन अगर उनकी उस प्लेस पे आ रहा है, उससे वो क्या कर रहे हैं, उनको एक सजेशन दे रहे हैं, यानी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक क्या होगा, गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और विजिटर आकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, इन बच्चों के भविष्य का कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक अ कैटाकॉम्ब्स। जब तक गवर्नर, टीचर और इंस्पेक्टर और विजिटर आके इन बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये जो मैप है जिसमें जिनकी लाइफ क्या है, जिनकी विंडो क्या है, सीमित है, और जो जिनकी लाइफ को क्या कर दिया, एक तरीके से कैटाकॉम्ब्स की तरह बंद कर दिया। वट इज कैटाकॉम्ब मीन्स, कैटाकॉम्ब्स मीन्स होता है अ प्लेस वेयर, और इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेवयार्ड वी कैन से, कि जहाँ पर कब्र को दफनाया जाता है, कैसा प्लेस। तो क्या है जिसमें, जैसे आपने देखा होगा कि कब्र में अगर किसी को एक बार बंद कर दिया तो वो परमानेंटली बंद हो जाता है। तो उसने ये कह रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कि जिस तरीके से कैटाकॉम्ब में क्या होता है, किसी भी बॉडी को क्या कर दिया जाता है, डेड बॉडी को प्लेस कर दिया जाता है, उसके बाद उसके डोर कभी भी नहीं खोले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनकी अपॉर्चुनिटी भी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तब तक के लिए जब तक कि कोई गवर्नर और टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर उन पर ध्यान ना दे। हियर पोएट इज इंडिकेटिंग बाय सेइंग दिस वर्ड्स, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि मतलब क्या करें, जो उनके कैटाकॉम्ब्स हैं, यानी कि जो उनके बंद दरवाजे हैं, उनको क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको टाउन की ओर ले जाया जाए, उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उस प्लेस से उनको अच्छी जगह ले जाया जाए और उनको फैसिलिटी दी जाए, चिल्ड्रन को ग्रीन फील्ड्स दिखाए जाए, क्योंकि अभी तक वो बहुत धुंध वाली जगह में रह रहे थे। ग्रीन फील्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि गुड अपॉर्चुनिटीज विच द अदर चिल्ड्रन आर गेटिंग, वो अपॉर्चुनिटी जो और चिल्ड्रंस को मिल रही, और इसी तरीके से उनके संसार को क्या किया जाए, एक अलग बनाया जाए। रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो क्या करें, नीले स्काई के नीचे और गोल्ड सैंड्स यानी बीचेस के किनारे दौड़ें, फ्रीली क्या करें, अपनी लाइफ जिए, एंड लेट दियर टंग रन नेक्ड इन टू बुक्स, और उनको बुक्स पढ़ने का, यानी कि स्टिल दे आर नॉट हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग अ बुक। और अगर गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो मे बी दे कैन ऑल्सो मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो बुक्स वगैरह पढ़ें, तो वो अपने फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं। द वाइड एंड अ ग्रीन लीव्स ओपन, और उनको मौके दें कि वो क्या करें, ग्रीन फील्ड्स में जाएं और अपनी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्या करें, और ज़्यादा बढ़ाएं। हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास वही रास्ते हैं जिनकी लैंग्वेज क्या होती है, जिनकी लैंग्वेज में क्या हो, एक तरीके से आग हो हम कह सकते हैं, जिनकी लैंग्वेज में सन हो, यानी कि सन ही इज हेयर हेयर इंडिकेटिंग साइन ऑफ पॉजिटिवनेस, ठीक है, ब्राइट होता है बहुत ज़्यादा, और आप कह सकते हो कि एक साइन ऑफ पॉजिटिवनेस है, इसलिए कंपेयर किया गया है यहाँ पर, कि जिनकी लैंग्वेज क्या होती है, सन की तरह होती है, वो लाइफ में क्या करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। सो दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस, इनकी जो प्रोग्रेस होगी उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा, एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम सेल्फ, और वो खुद योग्य होंगे कि वो क्या करें, अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर को क्या करें, पेंटेड करें। सो दैट वॉज द समरी ऑफ द पोएम, आई होप यू अंडरस्टूड इट, थैंक यू। हियर वी हैव मैंशन सम की पॉइंट्स, गस्टी, ब्लोइंग स्ट्रांगली, गस्टी मीन्स होता है बहुत तेजी से बहना, रूटलेस, अपरूटेड, यानी कि जिनमें जड़ ना हो, एक तरीके से जिनको जड़ से उखाड़ दिया गया हो, वीट्स, यूजलेस, और वाइल्ड प्लांट को वीट्स बोला जाता है, पैलर मीन्स पेल, स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड, या वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ अनडेवलप्ड चाइल्ड, सोर मीन्स होता है अनप्लीजेंट, यानी कि असुखद, यानी कि बहुत बेकार सा।
डोनेशन गिफ्टेड थिंग्स, डोनेशन यानी कि दान में दी हुई जो चीज़ें होती हैं गिफ्टेड। डोमिनेंस सीन बिफोर सनराइज, ऐसा सीन सनराइज से पहले का जो सीन होता है। बैलेट मीन्स हैविंग बेल्स यानी कि बेल्स का साउंड। विक्ड मीन्स होता है ह्यूमरस यानी कि बहुत ज़्यादा हास्यात्मक कह सकते हैं जिसे, नॉट वेरी गुड। टेम्पटिंग मीन्स एडिक्शंस फॉर स्टीलिंग, स्टीलिंग करने के लिए क्या करना है यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है कि टेम्पटिंग मीन्स होता है चोरी करने के लिए क्या करना, ललसाना। स्लाइली मीन्स आर्टफुली यानी कि चलाकी से।